फ्रेंड्स देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कहता है जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई, तो हमने किया था मोड जेड जो भी होगा वो आर से लिखेंगे, ठीक है, मोडलस जो कि ये आएगा। ये कैसे आया था देखिएगा, तो एक्स प्लस आइटा वाई है तो एक्स इसका रियल पार्ट होगा, वाई इमेजनरी पार्ट होगा, तो इसकी दो एक्सीज होंगी, एक एक्स एक्सीज यहाँ पर बोली जाएगी रियल एक्सीज, इस पे रियल पार्ट आएगा, वाई एक्सिस है इमेजनरी एक्सिस, इसके ऊपर इमेजनरी पार्ट आएगा, तो इसका रियल पार्ट है आपके पास एक्स, तो ये लेंथ एक्स जाएगी। इसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो ये लेंथ एक्स हो गई, ये लेंथ वाई हो गई, ये इसका एंगल अल्फा हो गया, ठीक है। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पी पॉइंट है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड को नोटेशन देगा, जो एक्स वाई से हम लिखते हैं जेड आपके पास। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका जो मॉडुलस है, उसका एडिशन है, उसका सब्ट्रैक्शन है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमेशा वेक्टर के जैसे बिहेव करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो जैसे हम ओ पी वैक्टर निकालते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ओ, ओ तो ओरिजन है, उसकी पोजिशन है जीरो जीरो, तो ओ पी वैक्टर आपके पास जेड आ जाएगा। ओ पी का जो मैग्नीट्यूड है वो जेड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ओ पी वैक्टर जेड को हम लिखेंगे क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, तो पोजिशन वैक्टर ऑफ पी माइनस में ये आ जाएगा, ठीक है, पोजिशन वैक्टर ऑफ जेड माइनस ओ। तो ओ पी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो लेंथ है, ये आ जाएगा जेड माइनस में ओ, या इसको जेड नोट लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस में जेड जीरो इज इक्वल टू जो लेंथ है वो आर आ जाएगी, ठीक है। ये जेड जीरो का मतलब है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो प्लस जीरो आइटा, जो कि यहाँ पर मैंने जीरो लिख रखा है, मोड जेड जो कि आर आएगा। तो यहाँ पर ये जो R है क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच की आपके पास डिस्टेंस आ गई, चाहे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लो, वही चीज़ आएगी, x माइनस जीरो होल स्केयर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्केयर अंडर द रूट, जो कि आपके पास ये आपके पास z माइनस जीरो मोड z कितना है, R के इक्वल है। मान लीजिएगा मैं कह देता हूँ मोड z या ओ पी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो टू है, जब ये किसी वैक्टर की लेंथ टू है तो आपके पास इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, तो Z2 का मतलब Z माइनस में Z नोट, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z है आपके पास, Z कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, Z नोट या जीरो लिखते हैं टू, तो ये आपके पास क्या आ गई, डिस्टेंस एक्स वाई पॉइंट की ओरिजिन से, जो कि क्या है टू के इक्वल है। तो यहाँ से क्या कहता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट की, ये आपके पास जेड कोई भी पॉइंट है, ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस टू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस टू है, ओरिजिन से ये भी डिस्टेंस टू है, डिस्टेंस टू के आपके पास कितने पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस टू है, इस पे भी, 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 तो ये जो शेप बनेगी, ये जो लोकस बनेगा, ये लोकस आपके पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो ये जेड मोड जेड इज इक्वल टू टू, ये आपके पास क्या हो गई, तो मोड जेड इज इक्वल टू टू आपके पास क्या होगा, ये जो लोकस, ये रास्ता हो गया ना, ये रास्ता आपके पास जो शेप बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, कि सर्कल बनेगा, और उस सर्कल की ये तो हो गई रेडियस और ये हो गया सेंटर। तो मोड जेड इज इक्वल टू टू आपके पास एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और जिसकी रेडियस टू होगी, ठीक। अगर Z को हम x प्लस आइटा वाई मान के चलते हैं तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ही आपको बता दी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है वो 2 के इक्वल रख देंगे, ये डिस्टेंस आएगी 2 के इक्वल रख देंगे, दोनों साइड में स्क्वेयर करते हैं तो 4 के इक्वल आ जाता है, और ये सर्कल की इक्वेशन होती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस 2, जैसे आपने टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसका ये सेंटर होता है, ये उसकी रेडियस होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन। अब ये अगर ये कह देता है,
अगर ये ओरिजिन न होकर सेंटर किसी और पॉइंट पर आ जाता है, मान लीजिएगा आपके पास जेड वन ये कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो जेड वन एक्स वाई, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, और पी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपके पास आर है, या ये पी पॉइंट, ये जेड टू ले लो, कुछ भी ले लो, ये जेड वन पॉइंट है और ये जेड टू पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर वही वैक्टर वाला निकालेंगे, पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पी, पी क्यू वैक्टर, तो इस पी क्यू वैक्टर का, या ये पी है, ये क्यू है, तो इस पी क्यू वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये लेंथ आ जाएगी जो कि आर के इक्वल है। तो पी क्यू वैक्टर कैसे निकलेगा, ये जेड टू माइनस में टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट हम घटा देते हैं, तो एक्स टू माइनस में एक्स वन, आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन, जे कैप, दो पॉइंट निकालते हैं, पोजिशन वैक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजिशन वैक्टर ऑफ पी। तो ये इसके बाद इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो रियल पार्ट का आई कम वैक्टर में क्या बोलते हैं, आई कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस में जे कंपोनेंट का स्क्वेयर अंडर द रूट, टू डायमेंशन की बात है, तीन डायमेंशन में जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा। और यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो भी वही आती है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो भी वही आती है। तो पी क्यू वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दो पॉइंटों को मिलाने से, तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, और ये अगर डिस्टेंस आर है तो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास जेड टू माइनस में जेड वन, इसका मोड आर है, तो ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर आनी चाहिए, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आर। अब क्या कहता है, अगर जेड वन आपके पास कोई भी पॉइंट एक्स वन वाई वन ले लिया, और जेड कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लिया एक्स वाई, इस हिसाब से लिया कि अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली, मान लीजिएगा तीन यूनिट है, ठीक है, जेड ये कोई भी फिक्स पॉइंट है एक्स वन वाई वन, और जेड जहाँ कहीं पर भी लेंगे हम वो आर्बिट्री पॉइंट होता है। तो कहता है इस पॉइंट से ऐसे पॉइंट बताओ जिसकी डिस्टेंस तीन होनी चाहिए, तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, इन सभी की ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आ जाएगी, थ्री के इक्वल आ जाएगी, जिसको हम आर लिखते हैं। तो ये आपके पास लोकस क्या होगा, ये पॉइंट इन सभी पॉइंटों को मिला लेते हैं, तो फिर ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, उस सर्कल का ये एक्स वन वाई वन सेंटर है, और ये उसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो आपके पास थ्री थी, जैसे आर की वैल्यू थ्री, ये वैल्यू जो टोटल डिस्टेंस है रेडियस की हम क्या रख देंगे, थ्री, थ्री का स्क्वेयर, फिर ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जेड माइनस, ये जेड है भाई, जेड माइनस जेड वन का मोड है वो आर है, तो ये आपके पास क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड, और इसका जो लोकस होगा इस रस, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो जेड होगा वो जेड, ये आपके पास ये सारे जेड आ जाएंगे, ये सभी पॉइंट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स को मिलकर सर्कल बनता है। तो लोकस क्या होगा, इसका एक सर्कल होगा जिसका सेंटर आपके पास जेड वन पे होगा और जिसकी रेडियस आर होगी, सेंटर जेड वन पे, रेडियस आर। तो यहाँ पर मैंने नोट डाल दिया है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, वो हमेशा कैसे बिहेव करेंगे, वो हमेशा एक वेक्टर के जैसे बिहेव करेंगे। तो जेड, जैसे कि आपके पास जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया आपके पास, जेड जहाँ पर क्या होता है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट होता है, जेड वन फिक्स पॉइंट होगा, तो मैं जेड वन जेड टू लूँगा, ये आपके पास फिक्स पॉइंट होगा, और जेड कोई भी है आर्बिट्री पॉइंट होगा। तो किसी फिक्स पॉइंट की किसी आर्बिट्री पॉइंट से डिस्टेंस है वो आपके पास आर है, तो ये इक्वेशन हमेशा, अभी आपको बताई है किस चीज़ की इक्वेशन बनेगी, सर्कल की, जिसका सेंटर आपके पास जेड वन है और जिसकी रेडियस है आर है। तो इस बेस के ऊपर ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो ये एक सर्कल है, ठीक है, आपने इसका सेंटर और रेडियस बतानी है। तो देखिएगा जेड में से जो भी घटेगा, टू प्लस थ्री आइटा, तो ये जो जेड वन है ये फिक्स पॉइंट है, एक्स की वैल्यू दो और वाई की वैल्यू तीन लेके चलते हैं, मान लीजिएगा ये ओरिजिन है, तो एक्स की वैल्यू दो और वाई की वैल्यू तीन, ये पॉइंट होगा, ठीक है, जेड कोई भी आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अब इन दोनों की जो डिस्टेंस है, ये मोड लगा दिया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा कितनी होनी चाहिए, पाँच,
तो इस पॉइंट से पांच डिस्टेंस पे ये भी पॉइंट है, इस पॉइंट से पांच डिस्टेंस पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी वैसे करके ये सारे पास इतने पॉइंट आएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर टू और थ्री पे है और जिसकी रेडियस है पाँच है। तो अब आपने क्वेश्चन निकालना है कि जेड प्लस टू का मोड थ्री है तो इसका लोकस क्या होगा। मान लो सर्कल आएगा, उसका सेंटर और रेडियस पता कर, उसके बाद कहता है जेड माइनस में जेड माइनस टू प्लस आइटा मोड लेस देन और इक्वल टू थ्री है तो इसका लोकस निकालना है। उसके बाद क्या कहता है, आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जेड माइनस थ्री प्लस टू आइटा का मोड इज इक्वल टू फोर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, वन वन इस पॉइंट से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, उस पॉइंट से आपके पास जो सर्कल का सेंटर है उससे डिस्टेंस माइनस में रेडियस। ये मान लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये कोई भी पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट की इस सर्कल से डिस्टेंस होगी वो आपके पास इसकी जो रेडियस है, इसका जो डायमीटर है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। और ये जो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस हम घटा देते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मिनिमम डिस्टेंस। बाकी डिस्टेंस तो इस सर्कल से डिस्टेंस आपके पास है, यही डिस्टेंस बनेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकस है, क्या कहता है, जेड वन फिक्स पॉइंट हो गया, जेड टू आपके पास कोई भी फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कहता है एक ऐसा पॉइंट आपने जेड लेना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा जाए। कहता है जेड माइनस जेड वन, इसका मतलब है जेड वन और जेड के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिएगा पी पॉइंट यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा। इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से जेड की, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट की जेड वन और जेड टू से, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ऐसा पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, ऐसा पॉइंट आपने देखा है कि तो यहाँ पर हो सकता है कि ये डिस्टेंस बराबर आए। ऐसा पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आए। ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस बराबर आए। ये पॉइंट, तो कहने का मतलब वो जो पॉइंट होगा जेड, वो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आ सकता है, और ये जो लाइन होगी ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर बोला जाएगा। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करवाएगा ऐसा जेड जो भी होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा, तो इसका लोकस क्या होगा, एक लाइन होगी। कौन सी लाइन है ये, लोकस आपके पास परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर होगा। यहाँ से आपके पास पी ए इज इक्वल टू पी बी वाली कंडीशन है, पी कोई भी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस बराबर आएगी, ये डिस्टेंस बराबर आएगी, ठीक। अब यहाँ पर दो चीज़ निकल सकती हैं आपके पास, ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है, इस लाइन से ऊपर भी लाई कर सकता है, इससे ऊपर भी कहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो एक तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, दूसरा ये आपके पास मिड पॉइंट बोला जाएगा। उसके बाद ये इस ट्रेंगल का आपके पास क्या शो करेगा, ये एक आपके पास क्या बनाएगा, आइसोसेल ट्रेंगल भी बना सकता है। तो अब इसको इसके अपोन में लेके जाएंगे, इसके अपोन में ये लेके गए तो आपके पास वैल्यू आ गई वन। तो कहीं पर ये लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही बात है, वो क्या बनेगा, हमेशा परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर। इन सभी आइसोसेल ट्रेंगल्स के अंदर भी हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही आइसोसेल ट्रेंगल निकालते हैं। तो आपका आंसर आपने क्या लिखना है, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर होगा। उसके बाद क्या कहता है, जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू का मोड अगर Z1 माइनस Z2 के मोड के इक्वल आ जाता है, मतलब Z क्या है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट P लेंगे, Z1 और Z2 पॉइंट ले लिया A और A B, ये कहता है मान लीजिएगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये Z1 है और ये Z2 है। कहता है कोई भी पॉइंट Z लेंगे कि उसकी Z1 से डिस्टेंस और Z दोनों डिस्टेंस का जो सम होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, मान लीजिएगा, तो वो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट ये लेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का सम इसके इक्वल केवल तभी होगा जब ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएं। तो एक ही लाइन में आ जाए तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं,
कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, या ये जो लोकस है वो आपके पास ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर पॉइंट यहाँ ले लिया तो ये डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर है तो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो जो लोकस बोला जाएगा वो आपके पास क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा, और जो पी पॉइंट है वो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। उसके बाद कंडीशन क्या कहता है, अगर जेड माइनस जेड वन का मोड माइनस जेड टू का मोड इसके इक्वल आ जाता है, जैसे जेड वन जेड टू कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, जेड वन ये है, जेड टू ये, पी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे तो कहता है पी ए, ये क्या डिस्टेंस बन जाएगी, यो पॉइंट पी है, यो ए है, पी ए माइनस पी बी, तो पी ए माइनस पी बी किसके इक्वल होगा, ए बी, और ये ए और बी की ये डिस्टेंस है। तो अगर कहीं पर ये आ जाता है पी ए माइनस पी बी ए बी के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है ये राइट हैंड साइड में होगा ए बी रेज के, अब ए बी रेज है इसके राइट हैंड साइड में ये पॉइंट आ जाएगा। अगर इसी का हम मोड लेते हैं तो ये डिस्टेंस और ये, तो पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। देखिएगा इस डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस घटाएंगे तो ये बच जाएगा, ऐसे ही इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाएंगे तो भी ये बच जाएगा। तो अगर इसका हम मोड ले लेते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा जेड वन और जेड टू के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्या है, पी ए, तो पी यहाँ पर भी हो सकता है, पी ए माइनस में ये आपके पास क्या होगा, पी बी, पी ए माइनस पी बी माइनस ए बी बचेगा, लेकिन इसका मोड लगा दिया तो इसका मतलब प्लस ए बी ही हो गया, और प्लस ए बी ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल आ गया, तो ये पॉइंट से यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी, जब मोड लगा दिया तो इसका मतलब पी क्या होगा, पी में भी आइदर साइड ऑफ लाइन सेगमेंट है ए बी, ए बी लाइन के किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये डायरेक्शन का ही फर्क आपके पास। उसके बाद क्या कहता है, जेड माइनस जेड वन का मोड प्लस जेड माइनस जेड टू का मोड अगर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो जाती है, देखिएगा ये जेड वन और जेड टू, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, जेड माइनस जेड वन पी ए, पी बी डिस्टेंस क्या होगी, जेड माइनस जेड टू, और ए बी डिस्टेंस क्या होगी, जेड वन माइनस में जेड टू, इनका मोड लगाना है, जेड वन माइनस जेड टू करो या जेड टू माइनस जेड वन करो, ये जेड माइनस जेड वन करो या जेड वन माइनस जेड करो, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इनका जो सम है वो कोई भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी दे रखी है तो लोकस क्या बनेगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है देखिएगा, तो पहली बात ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये ट्रायंगल की कोई भी दो साइड हैं, इन दोनों साइड का जो सम होगा वो हमेशा इससे क्या होगा, बढ़ाएगा, तो जो के होगा वो जेड वन माइनस जेड टू के मोड से हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, पी ए प्लस है पी बी है, तो इनका जो सम होगा वो के है, तो के की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। अगर ये बराबर होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर केवल तब होगा जब पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, जो कि हम पहले कर चुके हैं ये पार्ट में, जो प्रॉपर्टी नंबर फोर है इसमें, तो ये जो पी पॉइंट आ जाएगा तो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएंगे, नहीं तो इन दोनों का जो सम होगा वो इससे हमेशा बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है। बराबर होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, बड़ा होगा तो आपके पास ये ऊपर कहीं पर भी ट्रायंगल बनाएगा, और ट्रायंगल जो बनती है हमेशा किसके अंदर बनेगी, इलिप्स के अंदर बनेगी, या ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ ले इस जगह पे जो पॉइंट लेंगे वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे कि इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा। अब इन दोनों का सम इससे छोटा कभी हो ही नहीं सकता, तो जो k की वैल्यू है वो z1 माइनस में z2 के मोड के या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। बराबर है तो आपके पास हम पहले केस नंबर चार में पढ़ चुके हैं, और अगर वो बड़ा है तो वो आपके पास एक ट्रायंगल बनेगी, और ट्रायंगल हमेशा किस में होती है, इलिप्स के अंदर होती है, तो इसका लोकस क्या आएगा, एक इलिप्स आएगा जहाँ पर ये Z1 और Z2 उस इलिप्स के फोकी या फोकस बोले जाएंगे। उसके बाद एट नंबर प्रॉब्लम कहता है जेड माइनस जेड वन का मोड और जेड माइनस जेड टू का मोड, इसका मतलब है ये पॉइंट हम पी लेके चले थे, ये ए, ये पी, ये बी, ठीक है, तो पी ए जो डिस्टेंस है और अपोन में पी बी, इसको इस साइड में लेके जा सकते हैं, या पी ए इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी पी बी को, या पी ए अपोन में पी बी इज इक्वल टू के को। अगर के की वैल्यू वन आ जाती है
तो जो लोकस होगा वो फिर वही हम पहले केस कर चुके हैं, वो हमेशा क्या होगा जेड माइनस जेड वन का मोड और जेड माइनस जेड टू का मोड, पी ए इज इक्वल टू पी बी आ जाता है। तो जो पी पॉइंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर है बाईसेक्टर होगा, पी ए और पी बी हमेशा बराबर होगा, तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो के की वैल्यू या तो वन होगी या वन है नहीं होगी। अगर ये वैल्यू वन है तो ये हमेशा क्या बनेगा परपेंडिकुलर बाईसेक्टर बनेगा। अगर ये वैल्यू वन नहीं है, टू है, थ्री है, कुछ भी है, इनका रेशियो, वो हमेशा लोकस क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। उसके बाद कहता है जेड माइनस जेड वन का मोड, मतलब पी ए डिस्टेंस माइनस है पी बी डिस्टेंस। तो पी ए माइनस जो पी बी है, तो ये जेड वन ले लिया, ये जेड टू ले लिया, ये पॉइंट ए बी, पी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट जेड ले लिया, तो पी ए माइनस में पी बी, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाएंगे, तो जो रेशियो डिस्टेंस का आपके पास बनेगी वो आपके पास हम लेके चलते हैं की है। तो पहली कंडीशन तो क्या है, इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटाएंगे तो वो कभी इस डिस्टेंस से बड़ी हो ही नहीं सकती, इस डिस्टेंस से हमेशा क्या आएगी, वो छोटी आएगी। तो जो रेशियो है ना, जो सॉरी डिफरेंस है, वो जो के होगा वो हमेशा इस डिस्टेंस से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या है, पी ए माइनस पी बी क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ये हमेशा इससे छोटा क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास ट्रायंगल की दो साइड हैं, दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी से हमेशा लेस देन होता है। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, इसलिए जो के है इससे हमेशा आपने क्या लिया है, छोटा लिया है। दो साइड का डिफरेंस तीसरी से बड़ा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इस कंडीशन को, ये डिस्टेंस माइनस में ये डिस्टेंस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट या तो यहाँ आएंगे या यहाँ या यहाँ या यहाँ या इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये शेप बनेगी आपके पास हाइपरबोला। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो अगर कहीं पर ये कंडीशन है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो लोकस बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जेड माइनस जेड वन का स्क्वेयर, तो इसका मतलब पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, ये वाली कंडीशन होगी। तो ये तो आपको दिखाई दे रही है कि क्या दिखाई दे रहा है, ये तो एक पाइथागोरस थ्योरम दिखाई दे रही है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमेशा होता है क्या, और भी ऐसे कोई पॉइंट हैं, देखिएगा इस सर्कल है, अगर ये इस सर्कल का जेड वन और जेड टू आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट ले लेते हैं, तो पी कोई भी पॉइंट लेंगे उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो आपके पास हाइपोटेन्यूज फिक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट ये भी ले सकते हैं, ये पॉइंट ये लेके चलेंगे तो भी है, तो भी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने वाले जो पॉइंट होंगे वो हमेशा किसके ऊपर लाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने वाले पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, जहाँ पर ए बी आपके पास क्या होगा, डायमीटर होगा। तो इस अगर कोई भी आपके पास जेड वन और जेड टू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं तो उसका लोकस हमेशा क्या होगा, सर्कल होगा, जहां पर जेड वन और जेड टू आपके पास क्या होंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर होंगे, ठीक है, या इसको यू हम मान सकते हैं, कॉन्स्टेंट मान के चल सकते हैं। तो ये सर्कल की इक्वेशन, इसको हम डायमीटर फॉर्म में बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट की और भी दो तीन कंडीशन है तो सारी इकट्ठी करवाएंगे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएंगी, तब तक आप ये 10 प्रॉपर्टीज़ को आपने लिखना है, याद करना है, समझना है, इनके बेस के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू भाई।